ये है ब्राजील का स्नेक आइलैंड और वहाँ नीचे छिपा है चालाक शिकारी जिसके पास एक गुप्त हथियार है और वो है इसके पैने नुकीले फैंग्स। बस शिकार की एक हरकत और एक गलती इन सीरियल किलर्स को अपने जहर की आजमाइश का मौका दे सकती है। लेकिन ये सांप अकेला नहीं है, जरा आगे पीछे नजर दौड़ाएं तो इसके कई साथी आपको झुरमुट झाड़ियों में या जमीन पर लौटते हुए मिल जाएंगे। ब्राजील का ये आइलैंड केवल इनका इलाका नहीं है बल्कि इनकी रियासत है। यहाँ के राजा और प्रजा दोनों यही हैं। दुनिया वालों के लिए सांप एक आफत की बला हो सकती है लेकिन इस द्वीप पर ये मसीहा से कम नहीं है। किसकी जान बख्शनी है और किसे भोग लगाना है यहाँ ये सांप ही डिसाइड करते हैं। दुनिया जहाँ से अलग इस इलाके को वैसे तो मौत के अंधे कुएं के रूप में देखा जाता है लेकिन गलती से ही सही वहाँ पहुंचे लोग इसके बारे में कुछ गहरे खुलासे करते हैं। जानना चाहेंगे तो चलिए इस द्वीप के सफर पर चलते हैं और कुछ गूढ़ रहस्यों पर से पर्दा उठाते हैं। स्नेक आइलैंड यानी सांपों का घर। दूर से देखने पर यह द्वीप किसी भी आम आइलैंड की तरह लग सकता है जहां आप वैकेशन मनाने जा सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए यहां कदम रखने का मतलब मौत के एक ऐसे खेल में शामिल होना है जहां के मास्टर ये सांप हैं। सालों पहले सरकार ने इस द्वीप के खतरे को भांप लिया था और इसीलिए वहां जाने पर बैन लगा दिया था। वैसे तो समय समय पर साइंटिस्ट इस द्वीप का दौरा करते रहते हैं लेकिन बहुत कम एक्सपर्ट्स को ही ये चांस मिला है। यहां कब कहां से सांप आपकी राह में आ जाए पता नहीं चलता। कहते हैं कि इस छोटे से आइलैंड पर सांप की संख्या 4000 से भी ज्यादा है और एक प्रजाति यहाँ सदियों से फल फूल रही है। हम बात कर रहे हैं गोल्डन लेंचेड वाइपर की। दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक गोल्डन लिंचेड वाइपर विशेष रूप से केवल इसी इलाके में रहते आए हैं। अगर कोई गलती से भी यहाँ फंस जाए तो इस सांप का जहर उन्हें केवल कुछ ही घंटे में मौत के हवाले कर सकता है। सुनने में खौफनाक लगता है ना, लेकिन इस द्वीप की दहलीज को पार करने वाले लोगों को केवल एक ही सांप से नहीं निपटना पड़ता बल्कि यहाँ पर और भी कई घातक प्रजातियों का बसेरा है। सालों की रिसर्च और समय समय पर लिए गए डेटा से ये पता चलता है कि स्नेक आइलैंड पर केवल कुछ ही कदम चलने पर आपको 4 से 5 सांप की टोली घूमते हुए मिल जाती है। जिन रिसर्चर्स ने स्नेक आइलैंड पर कदम रखा है उन्हें भी कुछ ऐसे ही नजारों से रूबरू होना पड़ा है। हालांकि इस आइलैंड पर आज के दौर में किसी भी इंसान का वास नहीं है लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इतिहास टटोल कर देखें तो यहाँ पर एक परिवार रहता था। जी हाँ, इन सांपों की फौज के बीच कुछ इंसानों ने अपनी जगह भी बनाई थी। दरअसल आज भी स्नेक आइलैंड पर लाइट हाउस देखने को मिलता है जहाँ पुराने दौर में एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसका प्राइम काम लाइट हाउस की मदद से शिप को डायरेक्शन दिखाने का था। 1900 से 1920 के बीच वो दौर रहा जब ये आदमी एक कीपर की तरह सांपों के राज में किसी तरह अपना अस्तित्व बनाए हुए था। लेकिन फिर एक दिन छोटी सी लापरवाही के चलते पूरा खानदान हमेशा के लिए मौत के आगोश में सो गया। दरअसल एक दिन लाइट हाउस की खिड़की खुली रह जाने की वजह से ये जहरीले सांप घर में घुस आए और उसके बाद पूरे परिवार को ही इस लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा। सबके सब सांप के जहर से मारे गए। ऐसा इसलिए क्योंकि आसपास न तो अस्पताल जाने की सुविधा थी और ना ही इस द्वीप से जल्दी से बाहर जाने का कोई रास्ता था। केवल एक घंटे में पूरे परिवार ने दम तोड़ दिया और उसके बाद इस द्वीप पर रहने की हिमाकत किसी ने नहीं की। ये आदमी आखिरी इंसान था जो इस आइलैंड का हिस्सा था। उसके बाद यहाँ पूरी तरह सांपों का राज कायम हो गया। एक कहानी हमें और भी सुनने को मिलती है। केले के लालच में एक फिशरमैन ने आइलैंड के पास अपनी नाव रोकी। जैसे ही केले की तरफ उसने अपना हाथ बढ़ाया तभी पेड़ से सांप उसके हाथ पर गिर गया और अगले ही पल उसने उसे काट लिया। अपने नाव के करीब पहुंचने के बाद भी वो बेचारा नहीं बच पाया क्योंकि एक घंटे के अंदर वो इस द्वीप से बाहर नहीं निकल पाया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि स्नेक आइलैंड मौत का अंधा क्यों है, जिसमें एक बार अंदर गिरने के बाद वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि यहाँ रहने वाली बाकी प्रजातियों पर भी हमेशा मौत के बादल मंडराते रहते हैं। उनकी बस एक ही हरकत से वो कभी भी गोल्डन लेंचेड वाइपर का मील बन सकते हैं। अपने अस्तित्व की लड़ाई उन्हें हर वक्त लड़नी पड़ती है। पर सोचने वाली बात ये है कि दुनिया भर में जब सांप अपने अस्तित्व को बरकरार रखे हुए हैं तो इस द्वीप पर ऐसा क्या खास है जो यहाँ इनकी अपनी अलग सल्तनत है। गोल्डन लेंचेड वाइपर सांप दुनिया के बाकी कोने में भी पनप सकते थे, केवल इसी द्वीप से उनका ऐसा क्या खास नाता है और केवल यही इनकी संख्या इतनी ज्यादा कैसे है।
वैसे दिलचस्प बात है कि यहाँ पाए जाने वाले सांपों की किसी भी प्रजाति में तैरने की क्वालिटी नहीं पाई जाती, वो केवल जमीन और पेड़ की टहनियों में झूलने में माहिर हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो खुद तैर कर तो इस द्वीप पर नहीं आए होंगे। किससे कहानियां जरूर इस बात का जिक्र करती हैं कि इस द्वीप पर एक खजाना हुआ करता था, जिसकी रखवाली के लिए समुद्री लुटेरों ने सांपों को वहां छोड़ दिया था। कहते हैं कि ये खजाना उनका अपना था, जिन्हें उन्होंने एक महफूज जगह पर दफन कर दिया और उसकी सिक्योरिटी में सांपों को लगा दिया था। वेल, जेट सिक्योरिटी के इस प्लान पर अगर लॉजिकली सोचें तो ये फिजूल की बातें सच्चाई से कोसों दूर लगती हैं। जाहिर सी बात है कि सांप वो प्रजाति है जो किसी भी इंसान को अपने गुस्से का शिकार बना सकती हैं। ऐसे में अगर खजाने का असली मालिक अपना खजाना वापस लेने भी आए तो ये उन्हें भी नहीं बख्शेंगे। दुनिया भर की रिसर्च इस बात को इशारा करती है कि 11,000 साल पहले अचानक बड़े सी लेवल के पीछे ही इसका असली सच छिपा है। दरअसल फैक्ट्स बताते हैं कि हजारों साल पहले जब अचानक समुद्र में पानी बढ़ा तो ये द्वीप ब्राजील के मेनलैंड से अलग हो गया। उस वक्त यहाँ सांपों की संख्या काफी कंट्रोल थी, लेकिन हजारों सालों के टाइम स्पैन में इंसानों की दखलंदाजी से पूरी तरह कटे होने की वजह से अचानक यहाँ सांपों की संख्या में इजाफा हुआ। शानदार वातावरण और हरियाली में सांपों के बीच रिप्रोडक्शन हुआ, जिससे उनकी संख्या बढ़ती चली गई। वक्त के साथ वो फीचर के मामले में भी इवॉल्व हो गए और पूरे द्वीप को अपने काबू में करने में सफल रहे। जब इंसान की नजर जमीन के इस टुकड़े पर नहीं पड़ी थी तो ये अपनी तादाद को दोगुना करने में बिजी थे। आज आकार में बड़े और लंबे होने के साथ साथ ये बाकी सांपों से 5 गुना ज्यादा जहरीले होने का दम रखते हैं। इनका जहर इतना घातक है कि आपके ऊपर पड़ते ही ये त्वचा को जला सकते हैं, और इसी टेक्टिक के चलते वो अपने शिकार को भी पकड़ते हैं। वो तो शुक्र है कि इंसान इस सांप के खौफनाक हमले से दूर बसा है, वरना अगर ये हमारे बीच होते तो न जाने क्या कहर बरपाते। स्नेक आइलैंड का एक कड़वा सच ये भी है कि यहाँ किसी और प्रजाति के बसने और अपनी सत्ता स्थापित करने का कोई सवाल नहीं है। हैरानी की बात है कि इस द्वीप पर ये सांप अकेले प्रीडेटर नहीं है। हालांकि यहाँ बाकी स्पीशीज भी घूमती है, लेकिन किसी में इतना दम नहीं है कि गोल्डन लेंचेड वाइपर को टक्कर दे सके। इनकी बढ़ती संख्या को वहाँ चैलेंज कर पाना नामुमकिन है। डिप्सेस एल्बिफ्रॉन स्नेक भी इस द्वीप का हिस्सा है, लेकिन इनकी गोल्डन वाइपर के सामने कोई औकात नहीं है। कहते हैं कि पक्षी भी हर कीमत पर द्वीप से बचना चाहती हैं। यहाँ जाने का रिस्क वो कम ही उठाती हैं, क्योंकि वो भी जानती हैं कि नीचे भूखे शिकारियों की विशाल आबादी इनके इंतजार में बैठी है, जो आसमान में फड़फड़ाते पक्षियों की आवाज पर भी चौकन्ने हो जाते हैं। दरअसल एक समय था जब स्नेक आइलैंड में उनके लिए भरपूर खाना था, लेकिन जैसे जैसे इनकी तादाद बढ़ती गई द्वीप पर मौजूद खाना खत्म होने लगा। जब जमीनी सतह पर मैमल्स की इतनी ज्यादा कमी हो गई तो इन्होंने आसमान की तरफ अपना ध्यान घुमाया और माइग्रेटरी पक्षियों को अपना टारगेट बनाया। आज की तारीख में इनका सबसे लजीज और पसंदीदा शिकार पक्षी हैं। ये मुख्य रूप से उन्हें ही खाने में दिलचस्पी दिखाते हैं। कहते हैं कि अगर गोल्डन लिंचेड वाइपर इंसान को काट ले और अगर 1 घंटे में उसे ट्रीटमेंट ना मिले तो उसके मरने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ट्रीटमेंट होने के बाद भी आपके मरने के 3% चांसेस बरकरार रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके काटने पर आपकी किडनी जवाब देने लगती है, मसल टिश्यू तबाह हो जाते हैं और कई दिमागी दिक्कतें इंसान को तोड़ने लगती हैं। लेकिन अजीब बात यह भी है कि जहां एक तरफ इस सांप का जहर हमें इतना खौफजदा कर देता है, द्वीप पर उनका अस्तित्व हमें वहां जाने से रोकता है, वहीं दूसरी तरफ ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। ब्राजील की सरकार इस सांप की प्रजाति को खतरे में मापती है, क्योंकि इनकी संख्या केवल स्नेक आइलैंड तक ही सीमित है। कई लोग इन सांपों को भी स्नेक आइलैंड से पकड़कर काले बाजार में बेचने की कोशिश करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो दोस्तों, ये था जोखिम से भरा स्नेक आइलैंड, जिसकी सच्चाई हमारी रूह को कांपने पर मजबूर कर देती है। यहाँ जाने के ख्याल भर से सांप हमें सपनों में परेशान करने लगते हैं। जरा सोचिए, रिसर्च के लिए यहाँ जाने वाले डॉक्टर्स का क्या होता होगा। तो दोस्तों, क्या आप कभी ऐसे आइलैंड पर जाना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।